हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, जो सोनी कंपनी का ओरिजिनल टीवी है, ये टीवी को मैं रिपेयर करके देखाऊंगा। और ऑलरेडी ये टीवी के ऊपर मैं एक वीडियो बना के आपको दिखाया, जो ये टीवी का अंदर चाइना पीसीबी कैसे इंस्टॉल किया जाता है, और ये टीवी का जो बेसबोर्ड होता है और नॉर्मल टीवी का जो बेसबोर्ड होता है, जो ये पिक्चर ट्यूब का पिन फंक्शन, सब कुछ अलग होता है। तो दोस्तों, आपको इसी टाइम ये टीवी का मॉडल नंबर आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। ये मॉडल नंबर दिखाने के बाद ये टीवी को बैक कवर ओपन करके स्टेप बाय स्टेप इसका फॉल मैं रिपेयर करके आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये सोनी कंपनी की जो टीवी है, इसका बैक कवर मैं ओपन किया और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए, इसका बेसबोर्ड देखिए कितना बड़ा बेसबोर्ड है, और ये बेसबोर्ड का सामने वाला भी एक बेसबोर्ड टाइप भी एक बोर्ड है, ठीक है। और इसका जो मेन पीसीबी के साथ देखिए छोटा छोटा एक पावर बोर्ड है अलग अलग, एक साउंड बोर्ड है अलग, और क्या दिखाऊंगा इसका ईएसटी देखिए, इसका मेनली ईएसटी फॉल्ट है। बहुत दिन पहले ये टीवी को मैं रिपेयर किया था। तो दोस्तों, फाइनली ये जो पीसीबी मेन पीसीबी से ये जो पुराना वाला ईएसटी, ये मैं बाहर किया, और बाहर करने के बाद न्यू ईएसटी लगाऊंगा। और न्यू ईएसटी लगाने का पहले कुछ पोजीशन चेक करना पड़ेगा कि इसका जो आउटपुट ट्रांजिस्टर, ये भी एक बार चेक करना पड़ेगा। इसका बूस्ट पीरियड चेक करना पड़ेगा, इसका अंदर कुछ शॉर्टिंग है कि नहीं है। तो ज़रूर कुछ शॉर्टिंग मिलेगा कि ईएसटी फायरिंग होगा तो, क्या फायरिंग होगा तो ज़रूर आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो सकता है। उसका साथ इसका पहले ईएसटी लगाने का पहले इसका सप्लाई देके देखूंगा कि इसका ईएसटी सप्लाई जो 110 वोल्ट होता है, सभी चाइना सॉरी सोनी पीसीबी के अंदर ईएसटी सप्लाई सेम नहीं होता है, ठीक है। 130 वोल्ट भी हो सकता है, बट ये 110 वोल्ट का ईएसटी सप्लाई सेट है। ईएसटी सप्लाई भी एक चेक करूँगा, और उसका पहले आउटपुट ट्रांजिस्टर चेक करके एक बार देखूँगा आपका सामने। तो पीसीबी को मैं उल्टा कर लेता हूँ, आने के बाद ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है, ये आउटपुट ट्रांजिस्टर चेक करने के लिए मीटर को फर्स्ट बार्जर रेंज पर रखना पड़ेगा, ठीक है। ये बार्जर रेंज पर रखा है, और ये आउटपुट ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन है, ठीक है। ये कलेक्टर पिन है आउटपुट ट्रांजिस्टर का, ये कलेक्टर पिन, ठीक है। और एक बेस और एक नेगेटिव के साथ कनेक्शन है, ठीक है। तो मीटर देखिए कॉन्टिन्यूटी मोड पर रखा है, और ये कलेक्टर पिन का साथ ट्रांजिस्टर का दोनों पिन चेक करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये पिन का साथ शॉर्टिंग देखा जाता है, और देखिए ये पिन का साथ भी शॉर्टिंग देखा जाता है। तो चलिए, ये पोजीशन का ट्रांजिस्टर को मैं ओपन करके एक अलग सा न्यू ट्रांजिस्टर लगाऊंगा। तो ये चाइना सॉरी सोनी पीसीबी के अंदर आउटपुट ट्रांजिस्टर आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर कौन सा ट्रांजिस्टर है और क्या मैं लगाऊंगा। तब अच्छा करके देखिए, यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर है कि C5386, ठीक है। तो चलिए, मैं अलग से एक ट्रांजिस्टर लगा के देखूंगा, ठीक है। और चलिए, उसका पहले एक बार सप्लाई देख के देखूंगा कि इसका ईएसटी सप्लाई कितना है। उससे पीसीबी को मैं थोड़ा सा सीधा किया, सेटिंग्स किया। सेटिंग्स करने के बाद इसका पावर सप्लाई बोर्ड अलग है, ये साइड पूरा पावर सप्लाई नहीं है, सिर्फ इसका इनपुट साइड है। और इसका अंदर ये पॉइंट पर इनपुट होता है, और यहाँ से मेन पीसीबी पर ये सप्लाई जाता है। और इसका बेसबोर्ड मैं ओपन करके ही रखा है, तो मैं पूरा ईएसटी फाइनली कनेक्शन नहीं किया है इसलिए, और मैं ईएसटी को ओपन करके रखा है। तो चलिए, मैं मीटर को 200 डीसी रेंज पर सिलेक्ट करके रखा है, ठीक है। और इसी टाइम मैं सप्लाई दूंगा। सप्लाई देने के बाद देखिए, मैं 200 डीसी रेंज पर सिलेक्ट करके रखा है, और इसी टाइम आपको सप्लाई देके देखूंगा। और सप्लाई देने का पहले आपको देखना चाहता हूँ, देखिए ये जो चॉपर का ये जो पॉइंट है, यहाँ से लगता है 110 वोल्ट आउटपुट होगा। और ये जो इसका अंदर मेन फिल्टर कैपेसिटर देखा जाता है, जो 110 वोल्ट लाइन का, और ये सप्लाई जाता है, देखिए लगता है बीच में कॉइल है, और कॉइल का पास ये एक रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस का बाद ये एक फिल्टर कैपेसिटर है, और ये ईएसटी सप्लाई होता है। तो चलिए, कोई बात नहीं, मैं एक एक पिंच चेक करूँगा, और उसका बाद ये आउटपुट सेक्शन पर ये सप्लाई जाएगा। लेकिन ईएसटी ओपन है, तो इसीलिए आउटपुट सेक्शन पर आउटपुट ट्रांजिस्टर पर सप्लाई नहीं जाएगा। तो चलिए, मैं टेस्ट करके देखता हूँ, मैं आपका सामने ही सप्लाई दूंगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, मैं सप्लाई दे दिया, और चलिए यहाँ पर कुछ भी वोल्ट नहीं आ रहा है। तो इसका सॉरी, मैं सप्लाई को ऑफ करके आपको दिखाता हूँ कि
इसका स्विच है कि नहीं है, तो दोस्तों स्विच है, ये पोजीशन, ये पोजीशन के अंदर स्विच है, तो स्विच को ऑन किया, ठीक है, ऑफ था तो स्विच को ऑन किया, और दोबारा मैं सप्लाई देके देखता हूँ, ठीक है, कि इसका 110 वोल्ट फास्ट मिलता है कि नहीं। तो दोस्तों मैं सप्लाई दे दिया, और इसका ये नेगेटिव है, और ये पोजीशन के अंदर 110 वोल्ट सप्लाई नहीं है, तो ये जो रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस का पास भी वोल्टेज नहीं है, तो चलिए ये जो अलग अलग सप्लाई आउटपुट पॉइंट है यह पर भी चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए कुछ भी आउटपुट वोल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है, कुछ भी आउटपुट वोल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन इसका पावर इंडिकेटर अभी देखिए ऑन है। तो चलिए मैं थोड़ा सा चेक करने का बाद देखता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली इसका जो सिस्टम है, देखिए एक डेमी लोड लगाया, ये 110 वोल्ट लाइन का साथ एक लैंप कनेक्शन किया 100 वाट का, ठीक है। और चलिए मैं फर्स्ट टाइम सीरीज लाइन से टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये सीरीज लाइन से सप्लाई दे दिया, और इसका इंडिकेटर देखिए अभी ऑन है। जब इसको बॉटम स्विच ऑन करूँगा, बॉटम स्विच ऑन करने का साथ साथ आप सीरीज लैंप पर फॉलो कीजिए, इस तरह सीरीज लैंप फुल ग्लो हो जाता है, और इस तरह ये अप डाउन होने लगता है। तो इसीलिए जो करना पड़ेगा, डायरेक्ट सप्लाई लाइन दे के चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं दोबारा सप्लाई को ऑफ किया, ऑफ करने का बाद इसी टाइम डायरेक्ट सप्लाई दूंगा, ठीक है। देने के बाद देखिए डायरेक्ट सप्लाई दे दिया, और इसी टाइम स्टैंड बाई से मैं ये स्विच पुश करके ऑन करके देखूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर फॉलो कीजिए, देखिए इसका आउटपुट सप्लाई आ गया, बट ये स्टैंड नहीं हुआ, फिर भी स्टैंड बाई मोड पर चला गया। तो चलिए दोबारा स्टैंड बाई से ऑन करके देखता हूँ। तो दोस्तों इसका इंडिकेटर इस टाइम अप डाउन हो रहा है। तो चलिए, तो दोबारा स्टैंड बाई से ऑन नहीं हो रहा है, तो ये पीसीबी का अलग कुछ फॉल्ट है, ठीक है। तो चलिए मैं दोबारा और अच्छा करके देखने के बाद आपको दिखाता हूँ। फाइनली दोस्तों ये पीसीबी के अंदर मैं ESD लगाया, देखिए इसका ESD नंबर 8598 और उसका बाद 838, ठीक है। तो ये मैं न्यू ESD लगाया, और इसका जो ओरिजिनल ESD था, ESD आपको एक बार दिखाता हूँ, ठीक है, आप स्क्रीन पर देखिए। और उसका बाद इसका जो आउटपुट ट्रांजिस्टर मैं लगाया, ये आउटपुट ट्रांजिस्टर नंबर भी आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए 6810D, ठीक है, ये आउटपुट ट्रांजिस्टर मैं लगाया। और चलिए एक बार सप्लाई दे के आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं जब टेस्ट किया कि सीरीज लाइन से जब मैं सप्लाई दे दिया, स्टैंड बाई ऑन करने के बाद इसका सीरीज बल्ब ये फुल ग्लो हो जाता है, इसलिए मैं डायरेक्ट लाइन दे दिया, ठीक है। और चलिए इसी टाइम मैं सप्लाई दे देता हूँ, देखिए सप्लाई दे दिया, और ये PCB के अंदर सप्लाई दे दिया, और आपको दिखाना चाहता हूँ कि स्क्रीन पर देखिए अभी कुछ भी लाइट नहीं है, देखिए लाइट आ गया, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम स्टैंड बाई से ऑन किया, ऑन करके रखा है टेस्ट करने का समय, और आपको दिखाने के लिए इसी टाइम जब सप्लाई दे दिया तो ये साथ साथ ऑन हो गया। तो ये भी कॉर्ड में इनपुट करके ही रखा है, चलिए ये भी मूट करके भी एक बार देखता हूँ। तो दोस्तों अलग अलग सभी बॉटम तो मैं पुश किया, लेकिन ये भी तो नहीं हो रहा है, तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं एक एक बॉटम पुश करके देखता हूँ कौन सा इसका ये भी बॉटम है। तो दोस्तों ये बॉटम पुश करने के बाद देखिए
1-2 करके इसका चैनल चेंज हो जाता है, ठीक है। और तो इसका रिमोट तो अभी काम नहीं कर रहा है, इसका रिमोट भी कस्टमर का पास है, तो एक बार ये रिमोट लेके देखूंगा कि ये काम कर रहा है कि नहीं, अच्छा करके रिमोट का एक बार चेक करूंगा, ठीक है। तो इसका साथ देखिए, इसका ओनली पावर बोर्ड जो साप्ताहिक इनपुट पॉइंट में कनेक्शन करके रखा है, और ऑडियो बोर्ड में इनपुट नहीं किया, कनेक्शन नहीं किया, बाद में सब कुछ करूँगा। तो एक बार ये भी मूट करके आपको दिखाता हूँ कैसे भी मूट किया जाता है। तो दोस्तों इसी टाइम आपको दिखाऊंगा कि ये तो चालू कंडीशन पर है, तो इसका ESD मैं चेंज किया, आउटपुट ट्रांजिस्टर चेंज किया, तो ये जो PCB है, ये PCB का कुछ इंपॉर्टेंट वोल्टेज आपको चेक करके देखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए मैं मीटर को देखिए 200 DC रेंज पर सिलेक्ट करके रखा है, ठीक है। और इसका जो पावर सप्लाई इनपुट सेक्शन मैं यहाँ पर रखा है, मीटर का नेगेटिव पर मैं पिक्चर ट्यूब का नेगेटिव के साथ देख के रखा है। और इसी टाइम चलिए मैं सप्लाई देके आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं सप्लाई दे दिया, और इसी टाइम आपको दिखाना चाहता हूँ, आप स्क्रीन पर फॉलो कीजिए। कुछ टाइम बाद ही देखिए लाइट आ गया, ठीक है। तो चलिए इसी टाइम फर्स्ट 110 वोल्ट लाइन पर कितना वोल्ट मिलता है। तो दोस्तों देखिए ये जो 110 वोल्ट सप्लाई लाइन पर 134 वोल्ट मिलता है, 134 वोल्ट ही मिलता है। तो चलिए कोई बात नहीं। और ये जो चॉपर देखिए, ये चॉपर का ये जो फर्स्ट पिन ये नेगेटिव होता है, उसके बाद ये सेकंड पिन, यहाँ से 110 वोल्ट आउटपुट होता है, जो ये चैसिस के अंदर 136 वोल्ट देखा जाता है, ठीक है। तो 36 वोल्ट, और उसके बाद ये तीन नंबर जो पिन है, ये तीन नंबर पिन ये भी नेगेटिव लगता है। उसके बाद ये चार नंबर पिन पर जो वोल्टेज आउटपुट होता है, यहाँ पर 12 वोल्ट आउटपुट होता है, देखिए 12.6 वोल्ट। और उसका बाद ये पाँच नंबर पिन, सिक्स नंबर पिन और सेवन नंबर पिन, ये लास्ट नंबर पिन से जो वोल्टेज आउटपुट होता है, यहाँ पर 20 वोल्ट मिलता है, ठीक है। ये पिन से 20 वोल्ट मिलता है, आप मीटर पर ध्यान दीजिए। और उसका ऊपर और एक डायोड है, ये जो पोजीशन का डायोड, ये डायोड पर जो वोल्टेज मिलता है, देखिए 16 वोल्ट मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों थोड़ा सा वोल्टेज आपको दिखाया, और अभी इस टाइम स्नो है स्क्रीन पर, और ये कंडीशन पर आर कैथोड पिन पर कितना वोल्ट मिलता है। तो दोस्तों 200 वोल्ट का ऊपर ये चला जाता है, तो इसलिए मैं 600 DC वोल्ट रेंज पर मैं रखा है। और आर कैथोड पिन पर कितना वोल्ट मिलता है, देखिए 200 ये वोल्टेज फैक्चुरेट देखा जाता है, 200 वोल्ट का ऊपर चला जाता है। और जी कैथोड पिन पर कितना वोल्ट मिलता है, ये देखिए जी कैथोड पिन पर देखिए ये 200 वोल्ट का ऊपर चला जाता है। और बी कैथोड पिन पर कितना वोल्ट मिलता है, देखिए बी कैथोड पिन पर वोल्टेज देखिए ये अप डाउन हो रहा है, बट ये 200 वोल्ट के ऊपर चला जाता है। तो चलिए उसके बाद ये जो G2 पिन है, ठीक है, ये G2 जो ESD से ये लाइन आता है, ठीक है, ये लाइन पर वोल्टेज देखिए 70 वोल्ट का आसपास मिलता है, ठीक है, ये G2 पिन पर। और G2 पिन पर टच करने का साथ साथ लाइट चला जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दिया। और दोस्तों सोनी का जो PCB होता है, बहुत अलग अलग मॉडल के ऊपर अलग अलग PCB देखा जाता है, तो चलिए कोई बात नहीं, एक बार ये भी मूट करके आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली ये सोनी TV को सब कुछ फिटिंग्स करने के बाद, इसका फ्रंट साइड देखिए बहुत कुछ बॉटम है, ये देखिए प्रोग्राम प्लस माइनस, वॉल्यूम प्लस माइनस, और ये AV का बॉटम है, ठीक है, और इसका अंदर भी कुछ बॉटम है। और दोस्तों ये AV2 का, ठीक है। तो देखिए ये बॉटम पुश करने के बाद, इसका रिमोट खराब है, ये बॉटम पुश करने के बाद ये AV2 पर चला जाएगा और वीडियो भी आ जाएगा, आपका सामने में दिखाता हूँ। देखिए ये AV1 मोड पर है, और देखिए AV2 मोड पर है। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर ना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू दोस्तों।